और अब बात करते हैं सुष्मिता सेन की, जो कि इन दिनों सिल्वर स्क्रीन से गायब सी हो गई हैं और बड़े पर्दे से ज्यादा वो आजकल इवेंट्स में नजर आती हैं। तो इसकी वजह क्या बताती हैं सुष्मिता, आइए जानते हैं। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। वाकई आज तो सुष्मिता बहुत खूब लग रही है। बड़ी सुंदर दिखती हो। 30 प्लस होने के बावजूद सुष्मिता आज भी फिट बॉडी की मालकिन है। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। सुष्मिता इस वक्त पहुंची है एक प्राइवेट कंपनी के अवार्ड फंक्शन पर अवार्ड देने के लिए। याद हो तो एक वक्त था जब सुष्मिता अवार्ड लिया करती थी, लेकिन अब अवार्ड देती हैं। देखिए, आजकल मैं अवार्ड देने आती हूँ, and I think it's a lovely giving period of my life. पिछले दिनों सुष्मिता काफी अरसे के बाद लाइमलाइट में आई थी आई एम शी के कॉन्टेस्ट को लेकर, जिसका पूरा दारोमदार इन्हीं के कंधों पर था। कॉन्टेस्ट भले ही विवादों में घिरा रहा हो, लेकिन सुष्मिता काफी उत्साहित हैं अगले साल के लिए। बस अब यही है इच्छा कि जितना सक्सेसफुल आई एम शी हमारे लिए रहा है, वो पूरे देश के लिए भी हो। अगले साल से इट विल बी स्टेपिंग इनटू इट्स नेक्स्ट ईयर। टुडे वी आर रियली रियली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड बिकॉज़ वी हैव टू वेरी ब्यूटीफुल वुमेन हु आर रिप्रेजेंटिंग अस। दे आर बोथ हियर टुनाइट, उशोशी द विनर एंड द फर्स्ट वन इज अप व्हिच इज रेहा। सो दे आर ऑल हियर एंड वी आर रियली रियली एक्साइटेड। यू कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। सुष्मिता, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आखिर आप आजकल कहाँ बिजी हैं? फिलहाल मुझे इंतजार है नो प्रॉब्लम का, जो कि अनिल कपूर की प्रोडक्शन है, एंड अदर देन दैट आई हैव स्लोड डाउन ऑन द फिल्म्स पार्ट ऑफ माय लाइफ बिकॉज़ आई एम प्रेजेंटली लुकिंग एट डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स फॉर माय प्रोडक्शन कंपनी। और सिल्वर स्क्रीन के आज के सफर में बस इतना ही। आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप चलते रहिए समय के साथ।